दोस्तों, आज हम कुछ टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस का लेवल वैसे तो जो ये डीट के लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन जो इन क्वेश्चंस में डेप्थ है वो डिग्री कॉलेज और जीआईसी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए और नेट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी वैल्यूबल है। तो इस बार इनके क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ और आंसर आपको अपने पास रखने हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम आप ये चेक करना कि कितने आपके आंसर ठीक हैं। और मैं नेक्स्ट स्लाइड में जब भी आपको पोस्ट करूँगा उसमें इसके क्वेश्चंस के आंसर होंगे। तो 15 क्वेश्चन हैं ये। यदि आप इसमें से 13 प्लस कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा डरने की दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप 10 कर रहे हैं तो फिर आपको रिवीजन और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस इन द प्लांट। आयरन, जिंक, बोरोन, मैग्नीज, इनको मैच करना है फोटोलाइसिस वाटर के साथ, पोलन जर्मिनेशन के, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के रिक्वायरमेंट के लिए, और इंडोल एसिटिक एसिड दैट इज ऑक्सिन के बायोसिंथेसिस के लिए। आपको इसमें से इसको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन द अदर। बहुत शानदार क्वेश्चन ये कंपाइल किया हुआ है। पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन विद टू मेल गैमिट्स, सीड्स इनसाइड द फ्रूट, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। आपको चार अल्टरनेट में से इसके आंसर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। काइटिन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल ट्रिप्सिन, सेलुलोज लेसिथिन, इनुलिन एंड इंसुलिन। इनुलिन एक स्टार्च है, आप इसको ध्यान रखना। ये अक्सर GFR जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। क्वेश्चन नंबर 4, द प्लांट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटोमिकल फीचर्स। ए, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई बंडल शीथ, लार्ज कॉन्स्पिकुअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेक्शन है ये मोनोकोट स्टेम या मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम या डाइकोट रूट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रास ब्लेड एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर, इम्बाइबिशन एंड प्लास्मोलाइसिस। आपको इसमें से बताना है कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल प्रोसेस कौन सा है। वैसे तो गट्टेशन है लेकिन इसमें गट्टेशन नहीं है, गट्टेशन के लिए कौन सा प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इसमें से। क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटिन, स्ट्राइक्निन एंड कैफिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, ग्रोथ रेस्पॉन्स, डिफेंस एक्शन, इफेक्ट ऑन द रिप्रोडक्शन। आपको इनमें से बताना है कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किस लिए प्लांट प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। लेमिनेरिया एंड सार्गासम, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, एनाबिना एंड वॉलवॉक्स, क्लोरेला एंड स्पायरोलिना। ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है एल्गी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टार्च एंड सेलुलोज, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, मैनिटोल एंड एल्जिन, लेमिनेरिन एंड सेलुलोज। ये इसमें से अच्छा क्वेश्चन है ये फ्लोरिडिन स्टार्च के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट और विंड, वाटर करंट ओनली, विंड एंड वाटर, इंसेक्ट एंड वाटर। आपको इसमें से आंसर देना है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द ट्रॉफिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीशीज एग्जाम्पल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम।
जो ट्रॉफी लेवल है, फोर्थ ट्रॉफी लेवल, सेकंड ट्रॉफी लेवल, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल दे रहे हैं, और आपको मैच करना है क्रो, वल्चर, रैबिट एंड क्रास के साथ। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन द शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द शुगर केन क्रॉप। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ग्रोथ हार्मोन शुगर केन की इंटरनोड को इंक्रीज करता है जब अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकेंड टू साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स टू फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट टू एनएडीपी, फोटोसिस्टम फर्स्ट टू एटीपी सिंथेस। ये जो ट्रांसपोर्ट चेन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन की, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लिपर और पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एंड नेचुरल सेलेक्शन। इनमें से आपको देखना है कि किसका ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन एंड वैलिन। आपको ये एनसीईआरटी से लेकर के और लेनिंजर की बुक में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है, आपको बेसिक अमीनो एसिड बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूलिकल एट हाइलम, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस एंड चले जाएगा। ये क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन है कुल मिलाकर के, और ये क्वेश्चन आप देखना, यदि आप इसमें से एट प्रेजेंट 13 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर आपका क्वेश्चन का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत वर्सेटाइल क्वेश्चन हैं इनमें से, और इसमें से 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि वो फ्री हैंड से हो सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन में आपको अच्छा खासा एक एनालिटिकल जो है वो अप्रोच लगानी पड़ेगी। यह है इसमें, तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा जो है आपको बेस्ट अल्टरनेट लगेगा, उसे आप करें, और नेक्स्ट स्लाइड जब आएगी तो उसमें मैं आपको इसके आंसर दूंगा, तो उससे पता लग जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।